So very good morning everyone. How are you my dear students? Fine sir. Fine sir. So today we are going to discuss the human female reproductive systems. So human female reproductive systems में हम पहले क्लास में क्या क्या डिस्कस कर लिए थे भाई? हम लोग पहले डिस्कस किए थे क्या वन पेयर ऑफ ओवरी और वन पेयर ऑफ ओवरी एसेंशियल सेक्स ऑर्गन which are highly essential to produce the female hormone called progesterone or estrogen and the female gamete called ovule. इसके बाद हमने पढ़ा था SSH टॉप के बारे में, वन पेयर ऑफ ओविडम और फेलोपियन ट्यूब होते हैं. इसके बाद यूटेरस होता है, वजाइना होते हैं. इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटल में वन प्यूबिक्स होते हैं, लाबिया मैचरा मैनरा होते हैं, और क्या होते हैं दोस्तों? हाइमेन और क्लिटोरिस होते हैं. क्या होते हैं? हाइमेन और क्लिटोरिस होते हैं. तो चलिए आज की क्लासेस में हम लोग शुरू करेंगे फिर से थोड़ा सा एसेसरी टॉप. तो देखिए, यस्टरडे आई एम ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट this fallopian tube or the accessory duct in the female reproductive systems. So accessory duct mein humne pehle padha tha oviduct aur this is also called fallopian tube. What is fallopian tube? The length of the oviduct and the fallopian tube is 10 to 12 cm long. Ye maine bata diya tha. So the fallopian tube can be broadly classified into three types: the infundibulum, ampulla and the isthmus. So, infundibulum क्या होता है बेटा? ये फोनल शेप होते हैं जो कि वहां से ओपनिंग अप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि ओवरी से अटैच हुआ होता है, उसको अपन कहेंगे फिम्ब्रे. तथा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिम्ब्रे. फोनल शेप ओपनिंग इज कॉल्ड इन्फोंडिबुलम. सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मे बी कमिंग योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट 2020. सो वट इज द फंक्शन ऑफ दिस फिम्ब्रे? It is highly essential to help the collect of ovule. क्या करता है बेटा? ovule को collect करने में मदद करता है during the ovulation. What is ampulla? Ampulla is the wider part of the fallopian tube. Isthmus is the narrow part of the fallopian tube, which is directly joined the uterus. Okay? और इसी fallopian tube में बेटा ciliated epithelium line होते हैं, इसकी ल्यूमेन ओविडक्ट में पूरा होता है. और दैट सिलिएटेड एपिथेलियम इज हाईली एसेंशियल टू कैरी द ओव्यूल फ्रॉम इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन को लेके आता है. छह वाला याद रखिएगा. तो इसके बाद जस्ट रिव्यू के लिए आपको बोल दिया. अब यूटेरस भी थोड़ा रिव्यू कर दे रहा हूं. यूटेरस में क्या था बेटा? यूटेरस वो पार्ट्स होता है जहां पे क्या होता है, एम्ब्रियो अपना डेवलपमेंट शुरू करते हैं. क्या करते हैं? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू होता है. सो जब भी जायगोट बनते हैं और जायगोट के बाद क्लीवेज से क्या होता है बेटा? क्या होता है? अरे क्या होता है? ड्यूरिंग द क्लीवेज ब्लास्टोमर की परमिशन होते हैं. क्या होते हैं? ब्लास्टोमर्स की परमिशन होते हैं. टू सेल डाई, ऑलवेज यू रिमेंबर इट, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड बट The zygote are always diploid, okay? Gametes always haploid होते हैं, zygote diploid होते हैं. तो zygote को अगर देखेंगे तो सिंगल सेल स्टेज होता है. क्या होता है? सिंगल सेल स्टेज. क्लीवेज में ये डिवाइड होके म्यूटेटिकली दो सेल स्टेज, फिर दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस हो सकते हैं. तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है बेटा, द ब्लास्टोसिस्ट डायरेक्टली अटैच विद यूटेरस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. मैंने बताया था आपको, है ना? बताया था कि नहीं इम्प्लांटेशन के बारे में? ठीक है. यस सर. यूटेरस ओम कहते हैं बेटा. व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ यूटेरस? ओम कहते हैं. क्या कहते हैं? वॉम. वॉम. ये पूरा पार्ट को हमने यूटेरस कहते हैं. ये डायग्राम में देख सकते हैं. सो बेटा यूटेरस कौन सी शेप का होता है? इन्वर्टेड पियर शेप होता है. कौन सी शेप? इन्वर्टेड पियर शेप होता है. और मैंने बताया था बेटा इसमें कौन सा एक ऐसा पार्ट होता है जो कि यूटेरस से पेल्विक वॉल में डायरेक्टली अटैच होता है,
उसको क्या कहेंगे बेटा, लिगामेंट्स कहेंगे। अरे क्या कहेंगे बेटा, मेनली यूटेरस थ्री पार्ट्स होता है। थ्री पार्ट्स में क्या होता है बेटा, अपर पार्ट कॉल फंडस, यूटेराइन फंडस, मिडिल पार्ट इज कॉल बॉडी, यूटेरस की बॉडी, और द टर्मिनल पार्ट जो होता है लोअर पार्ट उसको सर्विक्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, तीन पार्ट होता है यूटेरस। और ये सर्विक्स जो होता है ये वेजिना की कैनल के थ्रू से ओपन हुआ होता है, ये वाला देख सकते हो, ठीक है, ये वाला और अच्छे से डायग्राम में देखेंगे। और यूटेराइन वॉल जो होता है बेटा, जो मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी का, ये थ्री टाइप्स का होता है, थ्री लेयर्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो पहले वाला जो आउटर लेयर होता है बेटा, उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, और दिस इज मेड बाय द थिन मेम्ब्रेन, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, ये देख रहे हो, ये आउटर कवरिंग का, दिस दिस, ठीक है, ये वाला पार्ट आउटर कवर। इसके बाद देखेंगे बेटा मिडिल लेयर जो होता है, थिक होता है और ये स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, क्या होता है, स्मूथ मसल से बना हुआ। और एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इनर लेयर ऑफ द यूटेरस, और एक ग्लैंडुलर और वास्कुलर टिश्यू से बने हुए, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये वाला डायग्राम पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम पे यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है भाई, इस्थमस है, ये एम्पुला है, इन्फंडिबुला, ये फिम्बरे है जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ओवरी से डायरेक्टली अटैचमेंट इसका, ठीक है। जो इस सारा पार्ट को हम एक मेजर तीन पार्ट क्या होता है आपका, इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुला, ये तीनों को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। इसके बाद वेजिना मैंने बताया था, सो वेजिना ये देख सकते हैं डायग्राम में जी, यहाँ पे वेजिना को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये वेजिना है जहाँ आप कोइटस करते हैं, ठीक है, ये वेजिना की ओपनिंग है, और इसी वेजिना की ओपनिंग में देखो बेटा एक लेयर होती है पतली सी, उसको कहते हैं हाइमेन कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं, उसको हम लोग मतलब वर्जिनिटी चेक करते हैं बोलते हैं। और इसका जो नीचे जो फ्लेसी फोल्ड टिश्यू होता है उसको लाबिया मेजरा और माइनरा कहते हैं, और ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूटेरस है, ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, दिस इज द यूटेरस, और ये फेलोपियन ट्यूब है। तो ये वाला डायग्राम, ये फेलोपियन ट्यूब पे फिम्ब्रे है, देखो यहाँ पे देखो व्हाइट वाला ओवरी है कि नहीं, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, देखो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये वाला फिम्ब्रे है, तो इसको इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाया हुआ है, ये सर्विक्स है और ये रेक्टम, ठीक है। सो क्या है वेजिना, इट इज द ओपन टू एक्सटीरियर बिटवीन द यूरेथ्रा और एनस, एनस और यूरेथ्रा की जैसे बाहर से होता है ऐसे वेजिना की भी बाहर से ओपनिंग हुई होती है, ठीक है। और ये वेजिना की ल्यूमेन में क्या होते हैं बेटा, मैंने बताया था ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं जो कि हाईली सेंसिटिव पैपिली होते हैं, क्योंकि बार्थोलिन ग्लांस भी यहाँ पे होते हैं, क्या होता है, बार्थोलिन ग्लांस, और दिस बार्थोलिन ग्लांस इज हाईली सीक्रेशन टू हेल्प द लुब्रिकेट ऑफ पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जैसे मेल एसेसरी ग्लांस में हम लोग पढ़े थे प्रोस्टेट ग्लांस, प्रोस्टेट ग्लांस नहीं, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लांस और कॉपर ग्लांस, इट इज हाईली एसेंशियल टू लुब्रिकेट द पेनिस, ऐसा फीमेल के एसेसरी ग्लांस में बार्थोलिन ग्लांस होते हैं। कौन सी ग्लांस होती है, बार्थोलिन ग्लांस। बार्थोलिन ग्लांस का काम क्या होता है बेटा, ये लुब्रिकेट करता है पेनिस को ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes, sir. अब ये डायग्राम में हम लोग देखेंगे द एक्सटर्नल जेनिटल, क्या पढ़ेंगे भाई, एक्सटर्नल जेनिटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटल में क्या क्या आ सकता है बेटा, आप बता सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटल? तो एक्सटर्नल जेनिटल में मैंने पहले बोला था मन क्यूबिक्स, क्या है, मन क्यूबिक्स आएगा, वेस्टिबुली आएगा, हाइमेन आएगा, क्लिटोरिस आएगा, ये सारा क्या है बेटा, एक्सटर्नल जेनिटल। जैसे मेल में ग्लैंड, पेनिस, पेनिस इसके बारे में पढ़े थे फोर्स के,
तो मॉन क्यूबिक्स क्या होता है, कभी कभी मेडिकल में क्वेश्चन आता है, मॉन क्यूबिक्स जो होता है इट इज द कॉशन फैटी टिश्यू कवर बाय क्यूबिक हेयर। ये कॉशन फैटी टिश्यू कवर बाय क्यूबिक हेयर, देखो मेडिकल 2019 में 19 या 18 में 18 नीट क्वेश्चंस में है सर, तो देख लेना कि ये कॉशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर बाय क्यूबिक हेयर इज कॉल्ड मॉन क्यूबिक्स, लाबिया मेजोरा लाबिया मेजर माइनोरा पूछा, क्वेश्चन देख लेना। तो क्या है, अगर फैटी टिश्यू है और क्यूबिक हेयर है तो उसको मॉन क्यूबिक्स कहेंगे, और वेस्टिबुली क्या होता है बेटा, ये जो लाबिया मेजोरा और लाबिया माइनोरा होते हैं जो मीडियन चैनल कहते हैं इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसको बेटा वेस्टिबुली कहते हैं। वेस्टिबुली और कुछ स्पेशल वर्ड नहीं है, लाबिया मेजोरा और लाबिया माइनोरा को वेस्टिबुली कहते हैं। अरे किसको वेस्टिबुली कहते हैं रे, लाबिया माइनोरा और लाबिया मेजोरा। वेरी गुड। अब बेटा व्हाट इज लाबिया मेजोरा और लाबिया माइनोरा, लाबिया मेजोरा जो होता है बेटा ये लार्ज होता है, फ्लेशी होता है, फैटी टिश्यू होते हैं और थोड़ा थोड़ा आउटर में हेयर होता है, और जो फोल्डिंग पार्ट होता है सराउंडिंग द वेजिनल ओपनिंग। अगर फीमेल की सेक्स ऑर्गन की डायग्राम ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला जो लाइनिंग है यहाँ पे देख सकते हैं इसकी बेटा, ये जो फोल्डेड लाइक जो स्ट्रक्चर है ऐसे लेयर लेयर होके होता है, मतलब जैसे आप अमरूद भंडा को खोलते हो छुलका इटा इटा के, तो जो फ्लेशी फैटी हेयरी जो हेयरी स्ट्रक्चर तो ऊपर पार्ट में होता है जिसको हम कहते हैं मॉन क्यूबिक्स कहते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है ना। अब इसके नीचे जो आपका होल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है वेजिनल कैनल की चारों तरफ, इसको हम कहते हैं लाबिया मेजोरा कहते हैं, ये लार्ज पार्ट होता है, और लाबिया माइनोरा जो होता है स्मॉल पार्ट होता है, भीतर का देख रहे हो, ये भीतर का ये जो पार्ट है ये लाबिया माइनोरा होता है। क्या होता है, लाबिया माइनोरा, ये स्मॉल होता है, थिन होता है और हेयरलेस इनर फूल, क्या होता है, हेयरलेस होता है। तो हमेशा याद रखना जो इनर फोल्ड होता है थीन होता है स्मॉल होता है और हेयरलेस होता है, जहां पे हेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा वो इनर फोल्ड जंक्शन को कहेंगे लाबिया माइनरा, और मेजर मतलब लार्ज पार्ट जो उसका वेजिना के चारों तरफ है उसको हम कहेंगे लाबिया मेजरा। ऑल ऑफ यू क्लियर। अब यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, हम लोग दूसरा पढ़ेंगे क्लिटोरिस एनस और उसका वेजिना, और ये जो लास्ट इनर वाला पार्ट है जहां से आप कोइटस करते हैं इसी पार्ट को हम कहते हैं वेजिना। क्या कहते हैं, वेजिना, ठीक है। ऑल ऑफ यू क्लियर, वेरी गुड, यस। अब एक्सटर्नल जेनिटल में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे हाइमेन। क्या देखेंगे भाई, हाइमेन के बारे में हम देखेंगे, हाइमेन को मेडियन हेड बोलते हैं, क्या कहते हैं, मेडियन हेड कहते हैं, वेस्टिबुली की पार्ट होता है। सो हाइमेन क्या होता है, हाइमेन क्या होता है, इट इज ए मेम्ब्रेन व्हिच पार्शियली कवर द वेजिनल ओपनिंग। एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो वेजिनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हो तो सील होता है, चूटा लगा हुआ होता है ढक्कन, तो वो ढक्कन खोलोगे और उसको टेम्पोरली ढक्कन को लगाया गया होता है कि प्रोटेक्टिव के लिए, ताकि आप जब कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे ढक्कन को आप हटा के फेंक देते हो, निकाल देते हो, है कि नहीं, या कोई बियर का बीतल पीते हो या विस्की का पीते हो तो ढक्कन टेम्पोरली सील किया गया होता है, इसके बाद आप खोल के उसको हटा देते हो और पीते हो। ऐसे क्या है बेटा, पार्शियली कवरिंग जो लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, वेजिनल ओपनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिनल ओपनिंग कहते हैं। और ये ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, अगर आप फीमेल को जब कोइटस करोगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, जब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे उस समय ये हाइमेन ब्रेक हो जाता है। अब हाइमेन ब्रेक हो गया तो वो लड़की वर्जिन नहीं है, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस ने इसको प्रूव करके बताया है कि सडनली जो हाइमेन है ये ब्रोकन हो सकता है। कब हो सकता है, जो हमें मतलब स्पोर्ट्स करता है, जो साइकिलिंग करता है, जो दौड़ता है, उसका केसेस में पहले से भी ब्रेक हो सकता है, इसीलिए आप हाइमेन ब्रेक हो गया है मतलब आप नहीं बोल सकते कि लड़की वर्जिन है या नहीं, ठीक है।
तो ये वाला हाइमेन की मैंने बताया, ये वेजिना है, देख सकते हैं ये वेजिना की आउटर कवरिंग जो लेयर है उसको हम कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, हाइमेन कहेंगे, ठीक है। और अब है बात की हाइमेन में आल्सो बी ब्रोकन ए सडन हॉल और जॉइंट इंसर्शन ऑफ ए वेजिनल टर्म एक्टिव पार्टिसिपेंट इन सम स्पोर्ट्स आइटम एक्सेट्रा। यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला है अगर फीमेल कैंडिडेट अगर वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनका केसेस में सडनली ब्रेक हो सकता है, या यहाँ पे कोइटस, पहला कोइटस करोगे तो वहां पे भी हो सकता है। सो हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी, इसीलिए आप नहीं बोल सकते कि हाइमेन अगर ब्रेक है तो वर्जिनिटी लड़की में नहीं। नेक्स्ट मेजर पार्ट है बेटा एक्सटर्नल जेनेटल में क्लिटोरिस। क्लिटोरिस बेटा हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है, क्या होता है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नोट कर लो। कौन सा पार्ट है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हाईली सेंसिटिव होता है, आपको मेडिकल में पूछेगा, अरे कौन सी पार्ट होता है रे, क्लिटोरिस होता है। क्लिटोरिस हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ये जस्ट फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग में होता है, जहां पे ये लोग ये देखो ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। कुछ तो बंदे होते हैं मुझे सवाल पूछते हैं, सर लड़कियां जो होता है वो अपना जो भेजना होता है भेजना के थ्रू से वो लोग अपना टॉयलेट करता है क्या? अबे गधे, भेजना का ओपनिंग अलग होता है, एनस का ओपनिंग अलग होता है। देखो एनस का ओपनिंग कहाँ पे होता है, भेजना का ओपनिंग कहाँ पे होता है, देखो इसके बाद एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, यहाँ पे देख सकते हो मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसका ओपनिंग अच्छे से दिखेगा, जूम करके पिक्चर को देख सकते हो। तो क्या है ये आपका, क्या है ये जो ओपनिंग है यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसके थ्रू से यूरिन, क्या आप यूरिन को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर में होता है, देख लो यहाँ पे इसके ऊपर में होता है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ए वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में जो पॉइंट आउट किया, ये क्या है, ये आपका क्लिटोरिस है जो कि हाईली ए होता है, और ये बोला जाता है हाईली सेंसिटिव होता है, इसीलिए अगर फीमेल के साथ अगर कोइटस करे तो उस समय बोला जाता है क्लिटोरिस को मतलब ये कीजिएगा तो हाईली सेंसिटिव होता है, ये सब होता है। तो ये आफ्टर मेडिकल में एमबीबीएस में आ गए, इसके बारे में डिटेल आप लोग पढ़ाई करो। इसके बाद बेटा इसको एसेसरी ग्लांस में माना नहीं जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे मामारी ग्लांस के बारे में। मारे मामारी ग्लांस किसको कहते हैं रे, लेग को, हाथ को, पैर को, ब्रेस्ट को, किसको कहते हैं, ब्रेस्ट को, ब्रेस्ट को कहते हैं। किसने बोला ब्रेस्ट बोल के, ये कहलाएगा सत्यजीत, सत्यजीत बेटा ब्रेस्ट देखा है कभी नहीं सर, अबे साले तुम देखा नहीं है ब्रेस्ट, ऐसे दो चाटे लगाऊ ना है, तू ब्रेस्ट नहीं देखा है यार, तू गाय का, भैंस का, कुत्ते का भी ब्रेस्ट नहीं देखा है, देखा है कि नहीं। हाँ। दूध कभी कभी गाय अपने बच्चे को दूध पिलाना देखा है बेटा, नहीं नहीं देखा यार, तू क्यों क्यों, ये संसार में तू धरती में बोझ है रे, तू मेडिकल करेगा तो डायरेक्टली देखेगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर, मेडिकल में एमबीबीएस हो जाए तो तू डायरेक्टली गाय का भैंस का देखना नहीं है, सीधा ह्यूमन फीमेल का ब्रेस्ट देख लेना, ठीक है अच्छे से। तो देखो चलते हैं, सो मामारी ग्लांस बेटा, सो मामारी ग्लांस को अपन क्या कहते हैं रे, ब्रेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेस्ट कहते हैं। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ होता है, कौन सी टिश्यू से, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। सो मामारी ग्लांस जो होते हैं बेटा, ये वन पेयर ऑफ मामारी ग्लांस प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, अरे कहाँ पे रे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। ऑल ऑफ यू क्लियर, जिसको नहीं दिख रहा है, जो जो ब्रेस्ट नहीं दिखे हैं जूम करके देख लीजिए। अब क्या है बेटा, ये देखो फीमेल की ब्रेस्ट है, इसकी आउटर में सेडेट कर दे रहा हूं यहां, इसका एनाटॉमी आप बहुत पढ़ोगे जब मेडिकल कॉलेज में जाओ। सो बेटा देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेडिकल के क्वेश्चंस में देखो पहले बता रहा हूं आप, देखो बेटा ये ग्लैंडुलर टिश्यू से बना हुआ है फीमेल की ब्रेस्ट, और ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो है बेटा, क्या ये ब्रेस्ट में जो ग्लैंडुलर टिश्यू है
Each breast has 15 to 20 mammary lobes. क्या होते हैं बेटा? 15 to 20 mammary lobes होते हैं, जो जिसके अंदर clusters of cells होते हैं और जिसको mammary alveoli कहते हैं. अरे क्या कहते हैं? Mammary alveoli. तो एक ही breast की अंदर कितना mammary lobules होता है? 15 से 30 होते हैं. So, देखो देखो इधर डायग्राम में, this is a one mammary lobes. ठीक है, this is a one mammary lobes. This is also one mammary lobes. ठीक है, इसके बाद this is also one mammary lobes. इसके बाद this is also one mammary lobes. और this is also one mammary lobes. ये यहाँ पे बेटा मैं डायग्राम में 5 मामारी लोब्स को आपको दिखाया. ऐसे अगर आप देखिएगा फीमेल में 15 से 20 मामारी लोब्स होते हैं एक ही ब्रेस्ट में. कितने ब्रेस्ट में? ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ 15 टू 20 मामारी लोब्स. दिस क्वेश्चन आल्सो केम इन प्रीवियस ईयर्स मेडिकल एंट्रेंस. अब इसी के बीच, इसी के भीतर देखो बेटा, इसी के भीतर यहाँ पे अच्छे अच्छे से देखो, इसके भीतर देखो यहाँ जैसे आप अंगूर का पेंथा देखे हो, अंगूर का क्लस्टर, ऐसे अंदर देखो छोटा 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 क्लस्टर हो रखा है कि नहीं. ये क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? मामारी अल्वियोली कहते हैं. अरे क्या कहते हैं रे? मामारी अल्वियोली. मामारी अल्वियोली का कहते हैं. और ये मामारी अल्वियोली का काम होता है मिल्क को प्रोड्यूस करना बाय द हेल्प ऑफ कौन सी हार्मोन रे? प्रोलैक्टिन हार्मोन. कौन सी हार्मोन? प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन. क्लियर? सो बेटा ये याद रखिएगा, ईच मामारी ग्लांड्स कंसिस्ट ऑफ 15 टू 20 मामारी लोब्स और ईच मामारी लोब्स containing cluster of cells or that cluster of cell called mammary alveoli. What is mammary alveoli? अगर बंद हो जाएगा तो फिर से ये कर लेना, ठीक है. इसके बाद बेटा देखो most important question है IMP, very very important. The cell of alveoli secret milk. It is stored in the cavity lumen of the alveoli. अब इसी alveoli के पास क्या होता है बेटा? lumen होता है, lumen duct होता है. जो क्या करता है अल्वियोली मिल्क को सीक्रेट करने के बाद उसके पास एक कैविटी होता है, वो कैविटी को कहते हैं ल्यूमेन. और ल्यूमेन का काम क्या करता है बेटा? टेम्पररीली मिल्क को स्टोर करके रखता है. क्या करता है? टेम्पररीली मिल्क को स्टोर करके रखता है. क्लियर? अब देखो बेटा ये वाला जो जंक्शन है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो लोग ना ऑनलाइन पे हो और फिर चले जा रहे हो, फिर ज्वाइन कर रहे हो बीच में, इनको ज्वाइन कराऊंगा नहीं नेक्स्ट टाइम. सो देखो ये जो बेटा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? पेक्टोरालिस मेजर. ये मसल्स है जो ब्रेस्ट का पोस्टेरियर पार्ट में जो मसल्स होता है इसको कहते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल्स. इसके ऊपर में ब्रेस्ट की चारों तरफ जो फेट होता है पेक्टोरल फेट पेट कहते हैं. और इसमें जो लिगामेंट्स अटैच होते हैं उसको सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं. और ये सब लोब्यूल्स है, मामारी लोब्यूल्स. और ये सारे मामारी लोब्यूल्स अल्वियोली एक डॉक्ट में आके अटैच होते हैं, ठीक है. ये तो मैंने आपको बता दिया क्या है? मामारी अल्वियोली. अब ये मामारी अल्वियोली जो डॉक्ट और ट्यूबुल से अटैच होते हैं उसको कहते हैं मामारी ट्यूबुल्स. और ये सारे मामारी ट्यूबुल्स जो डॉक्ट पे अटैच होते हैं उसको कहते हैं मामारी डॉक्ट. और ये सारा मामारी डॉक्ट बेटा एक गोंच में अटैच होता है उसको कहते हैं लैक्टिफेरस डॉक्ट. और ये सारे लैक्टिफेरस डॉग क्या होते हैं? क्या होते हैं? मिलकर क्या बनाते हैं? निप्पल बनाते हैं. क्या बनाते हैं? निप्पल बनाते हैं. और इसी निप्पल इज द ओपनिंग ऑफ लैक्टिफेरस डॉग. जो लैक्टिफेरस डॉग सारे हैं ये सारा मामारी अल्वियोली से अटैच हुए होते हैं. और ये लैक्टिफेरस डॉग जो होता है ये निप्पल को बनाता है जिसके थ्रू से मिल्क को ओपनिंग करते हैं. जो मिल्क ओपनिंग पार्ट होता है उसको निप्पल कहते हैं, ठीक है ना बेटा? ठीक है ना? और इसके ए निप्पल के ऊपर में जो वाइडर पार्ट जंक्शन होता है इसको मामारी अम्पुला कहते हैं. और बेटा एरियोला क्या कहते हैं?
जब भी आप फीमेल का ब्रेस्ट देखिएगा उनका निप्पल तो ऊपर में होगा, दोनों दोनों ब्रेस्ट में निप्पल होगा। आप निप्पल की बेटा चारों टाइप चारों तरफ देखना, टिके 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 ब्राउनिश कलर हितबा नहीं तो टिके डार्केस्ट कलर हितबा। देखो ब्रेस्ट का चारों तरफ निप्पल का देखना थोड़ा डार्किश या ब्राउनिश कलर होता है, वो ब्राउनिश कलर उसको हम क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। क्या कहते हैं? एरियोला कहते हैं। क्या कहते हैं? निप्पल की आउटर कवरिंग लेयर जो बाहर का जो ब्राउनिश कलर होता है एरियोला कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? एरियोला कहते हैं, ठीक है ना। चलो ये वाला आपका एनसीईआरटी के डायग्राम है, देख सकते हैं। तो चलो जल्दी 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 स्केच करो, स्केच बनाओ जल्दी, स्केच डायग्राम। पहला लिखो कैसे मिल्क फॉर्मेशन होता है। देखो पहला क्या होता है, मामारी एल्वियोली। जल्दी बनाओ इसको, लिखो जल्दी जल्दी लिखो मामारी एल्वियोली। आप मामारी एल्वियोली मामारी ट्यूबुल बनाएगा, मामारी ट्यूबुल मामारी डॉक्ट से भेजेगा और मामारी डॉक्ट से मामारी अम्पुला में जाएगा और मामारी अम्पुला से लैक्टिक फेरस डॉक्ट में जाएगा और लैक्टिक फेरस डॉक्ट से निप्पल में जाएगा और मिल्क सीक्रेशन होगा। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मिल्क कंडक्शन, नोट कर लो, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मिल्क कंडक्शन। अब देखो ये एल्वियोली ओपन इनटू मामारी ट्यूबल्स, एल्वियोली ओपन हुआ मामारी ट्यूबल्स में, इसके बाद ये सारा ट्यूबल्स और लोब्स ज्वाइन करके क्या बने, मामारी डॉक्ट बने और ये सेवरल मामारी डॉक्ट ज्वाइन होके क्या बने, वाइडर पार्ट ऑफ द मामारी अम्पुला। बहुत सारे मामारी डॉक्ट मिलकर क्या बनाए, वाइडर पार्ट ऑफ द मामारी अम्पुला और ये सारे मामारी अम्पुला एक दूसरे से कनेक्टेड होके क्या बनाए, लैक्टिफेरस डॉक्ट बनाए। क्या बनाए? लैक्टिफेरस डॉक्ट, जिसके थ्रू से मिल्क को सॉक आउट किया जाता है। ऑल ऑफ यू क्लियर? अरे बुझलो कि ना बुझलो गो? तो बेटा ये साइड साइड में देखो, ये डायग्राम में देखो, ये पिक्चर में ये जो है ये आपका फेट है, ये मसल्स है, मसल्स के बीच में रिब्स है, ठीक है। ये वाला मैं आपको बता दिया, ये डायग्राम का सीक्वेंस आप याद रख लेना भाई, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट डायग्राम। मैंने आपको तो एक बायोलॉजी का भेजा था जिसमें पीडीएफ भेजा था, जिसमें कि सारा आपको डायग्राम है, भेजा था कि नहीं रे? जिसमें सारा डायग्राम है, वो सारा डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो कोंदा खाबो नो, नहीं प्रैक्टिस कर लो। तूने मारी एंट्री दिल में बजी घंटी, चार मिनट 27 सेकंड है। इसमें किसी को डाउट है क्या? ये वाला मेरा स्लाइड पीपीटी खत्म हुआ, दूसरे पीपीटी अभी ओपन करेंगे, अभी बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद फिर से हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। इसी पार्ट्स में एनी डाउट बेटा, कोई डाउट किसी का है तो पूछ सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। आप लोग का क्या क्वेश्चंस होगा? हाँ तूने मानी दिल में बजी घंटी बजी है तो बर बर बर। अरे मैं इसका जो पढ़ाता हूँ वीडियो भी तो भेज देता हूँ यूट्यूब में, आप लोग को लिंक भेजा हुआ हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको रिपो क्यों भेज रहा हूँ, रिवीजन के लिए। आपने क्लास में किसी ने मान लीजिए कोई पॉइंट नहीं समझ पाया, उसमें फिर से आप रिव्यू करके समझ सकते हो। अपना दोस्त लोग को शेयर कर देना और बोलना कि केम सर का वीडियो है, सब्सक्राइब करो। हाँ सर, समझ रहे हो? हाँ सर। कहाँ बुझला गा? और कुछ क्वेश्चन है तो पूछो रे जल्दी, फिर लॉग इन करेंगे, दूसरा स्लाइड पर आए।
चलो बेटा एक क्वेश्चन दिख रहा है आपके में। अरे क्वेश्चन दिखो थे कि ना दिखो थे को दिख रहे थे दिखो थे। चलो पढ़ो क्वेश्चन। द टेस्टिस आर situated outside the abdominal cavity with pouch called scrotum or this is necessary as test. कौन सा आंसर होगा बोलो रे। स्क्रोटम के कंटेंट क्या होगा? स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेंपरेचर ऑफ द टेस्टिस। ये वाला आंसर होगा। ऑप्शन टू कौन कौन सोच रहे हैं? सब कोई ऑप्शन टू में क्लिक किया जाए। चेक कर ले क्या है डिफिकल्टी लेवल कितना है। ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर। 99% स्टूडेंट ऑप्शन टू। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज लाइन ऑन इन इट्स साइड बाय डैश। क्या है बोलो? भूल हो गया ना, भूल हो गया ना। क्या है आंसर? इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल लाइन ऑन इट इनसाइड बोला है। स्पर्माटोगोनिया होता है, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स होता है, सिर्फ सोटोली सेल्स भी होता है लेकिन यहाँ पे बोथ वन और थ्री दिया है इसीलिए ए। डिफिकल्टी लेवल देखो